हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, और अभी फरवरी में आपका एग्जाम है तो आप मोस्टली रिवीजन पे ही टाइम दो, है ना। कोई नया बुक्स नहीं पढ़ना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ा है उसी को आपको बार बार रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपका प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस का कंसेप्ट और विकसित होगा। आइसोमेरिज्म काम लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट करेंगे आज। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इससे पहले हमने सीस ट्रांसपोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कवर किया था, तो इसमें हम लोग करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, स्टीरियो वाला जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टीरियो वाला पार्ट जिसमें हमने पढ़ा है क्या ज्योमेट्रिकल, और क्या पढ़ा है ज्योमेट्रिकल में, हमने पढ़ा है सीस ट्रांस पढ़ा है, ये सीस है, उसके बाद ई जेट नेमिंग पर आए, ये सब अच्छे से कवर करके फिर एग्जाम देने जाना, छोड़ना मत। ओके, तो ये हमारा हो गया। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल का मतलब होता है बेटा प्रकाश, ये प्रकाश लाइट, जो लाइट को ना, लाइट के प्रति विभिन्न नेचर को शो करता है कंपाउंड। मतलब जब हम लाइट को किसी कंपाउंड से पास करवाएंगे, गुजारेंगे, तो उसका रोटेशन डिफरेंट आएगा, या तो क्लॉकवाइज आएगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये डिफरेंट बिहेव क्यों आ जाता है, काइरल एटम की वजह से, या फिर उसमें ये हो जाता है मिरर इमेज जो बनता है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाता है। बहुत सारे कारण है, उसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे, इसी में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही पढ़ेंगे। आर एस नेमिंग, डी एल नेमिंग है ना, ढेर सारा नेमिंग है इसमें, उसको देखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसका जो बेसिक होगा ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक में क्या सब है, जैसे है काइरल और काइरल मॉलिक्यूल, हमें जानना होगा कि काइरल और काइरल मॉलिक्यूल क्या होता है। इससे क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में काइरल और काइरल के बारे में। फिर पढ़ेंगे इसमें प्लेन ऑफ साइमेट्री, सेंटर ऑफ साइमेट्री, एक्सिस ऑफ साइमेट्री, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ऑप्टिकल को समझोगे। पहले हम समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, छोटा सा डिफिनेशन आप लिख लो, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे दोज स्टीरियो आइसोमर, आप भी लिख लेना दोज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही तो है, तो दोज स्टीरियो आइसोमेरिज्म व्हिच आर हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को ना शॉर्ट में हम PPL लिखेंगे, है ना, थोड़ा बड़ा है प्लेन पोलराइज लाइट, तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। जहां पर भी हम PPL लिखेंगे ना, मतलब क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट PPL आर रिलेटेड एज आर रिलेटेड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप ध्यान रखना कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे, ऑप्टिकल, ऑप्टिक का मतलब ही होता है प्रकाश, है ना, प्रकाशीय समाव्यवता, जो लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेव को दिखाता है, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवा देगा। हम अच्छे से समझेंगे इसको कि पहले समझेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है ना। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, इसे आप डिफिनेशन के रूप में लिख लेना, फिर समझो कि होता ये है कि एक नॉर्मल लाइट होता है, मैं बता रहा हूं आप इसे बस अच्छे से नोट करते जाना। जैसे देख लो एक नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट, ओके, ये कैसे लिखा रहा है, एक नॉर्मल लाइट होगा, नॉर्मल लाइट में ले लेता हूं इस तरीका से, एक नॉर्मल लाइट हुआ, और नॉर्मल लाइट में क्या होगा ना कि इसका जो स्कैटर्ड होगा वो सभी दिशा में होगा, ये पॉइंट है,
इस पॉइंट से देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा और ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ये नॉर्मल लाइट है। अब इस नॉर्मल लाइट को आप क्या करो ना, पास करवा दो एक किससे, पोलराइजर से। पोलराइजर जो लाइट को ध्रुवित करता हो किसी एक डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं पोलराइजर। ओके, तो मान लो ये हमारा पोलराइजर है, ये पोलराइजर है, इसको हम बोल देते हैं पोलराइजर। ओके, अब जब इसे आप पोलराइजर से पास करवा दोगे ना, तो ये सारा लाइट जो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में दिख रहा है ना, इसमें ये किसी एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, पैरेलल हो जाता है। तो इसका ऐसा बन जाएगा, आप जो अगला शेप होगा ये ऐसा बन जाएगा इस तरीका से, ये किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगा, ये देख लो। ये हो गया, इसी को बोलते हैं हम क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। अब ये हमारा बन गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये बन गया। अब इसे हम किसी कंपाउंड के सैंपल से, कंपाउंड का जो भी सैंपल होगा ना, उससे हम इसे पास करवाएंगे, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये पहले चेक करना होता है इस प्लेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस कंपाउंड के सैंपल से पास करवाने के बाद। जैसे देख लो, हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं स्टूडेंट कि आपके पास ना सैंपल है, कंपाउंड का सैंपल ए है, कॉमा दे करके लिख लेना, सैंपल बी है एंड सैंपल सी है, सैंपल सी है, इसको स्मॉल ए कर लेना, ये सैंपल सी है। ये आपके पास अलग अलग कंपाउंड है, मान लो ए वाला कंपाउंड इस तरीका से मैं वो बना भी देता हूं तुम्हें, चलो इसको ऐसा ले लो, सिलेंड्रिकल ले लो और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये इस तरीका से है कंपाउंड आपका, ये लिखना साथ ही साथ, ठीक है। और इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, और इसमें नाम कंपाउंड भरा हुआ है, ठीक है। कोई भी है सैंपल ए, उसका नाम है, बस हमें चेक करना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ओके, चलो सैंपल बी में हम ले लेते हैं एक और कंपाउंड, कि सैंपल बी भी एक ऐसा भरा हुआ है, इस तरीका का हमारा कंपाउंड है और इसमें ना ये भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीका से इसमें भी हमने क्या कर दिया, भर दिया है कंपाउंड को, इसमें भी सैंपल बी है। उसके बाद सैंपल सी ले लो, चलो सैंपल सी में भी आप ले लो इस तरीका से, ये हमारा सैंपल सी हो जाएगा। एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ो, पढ़ाई रिलैक्स में किया जाता है, ऐसा नहीं पूरा तुम्हें चाहिए 3 मिनट में पूरा कंसेप्ट, वो कुछ नहीं होता है, 3 मिनट का कंसेप्ट कहीं नहीं होता है। ये केमिस्ट्री है, एक तो खुद ही उलझा हुआ सब्जेक्ट है, आप ही सोचो केमिस्ट्री पूरा गॉड एलिमेंट पे आधारित है ना, इसमें मानव निर्मित बहुत कम है, तो गॉड एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे तो तुम आसानी से कैसे समझ पाओ, इसके लिए तो कंसेप्ट तुम्हें डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा ना। गॉड के बारे में समझना चाहते हो तो कंसेप्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा इसमें एक्सेप्शन केस होता है, सब याद करना पड़ेगा, केमिस्ट्री ऐसे ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा अलग अलग कंपाउंड। अब क्या करोगे कि सारे कंपाउंड से ना तुम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाओ और फिर रिजल्ट देख लो, ठीक है। चलो हम पास करवाते हैं इसको कैसे, देख लो, ये क्वेश्चन था हमारा, ये सैंपल ए है, ये ए है, ये वाला बी है और ये वाला हमारा सी है। अब इस सबको हमें चेक करना है कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो इसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास करवाएंगे, ए बी सी से पास करवा के देखते हैं। चलो फॉर सैंपल ए हम यहां पे बात कर लेते हैं, फॉर सैंपल ए, ओके। तो सैंपल ए को हम ले लेते हैं, सैंपल ए हमारा किस कलर का है, ये देख ब्लू कलर का है, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं फिर उसे समझेंगे।
पहले ले लो तुम प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट ले लिए, ये इस तरीका से है, ऐसा है। इसको हमें पास करवाना है किससे होकर के, तो इस सैंपल से होकर के पास करवाना है, ये जो कंपाउंड है ना सैंपल ए, उससे इसको पास करो। एकदम बेसिक समझो कि एक्चुअली होता क्या है। आप परिभाषा पढ़ लेते हो लेकिन कंसेप्ट नहीं समझते हो, ये कंपाउंड है। ओके, अब इससे तुम इसे पास करवाओगे ना, तो ये जो पीपीएल है हमारा प्लेन पोलराइज लाइट, इसका रोटेशन होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा नहीं तो क्लॉकवाइज होगा, दो ही रोटेशन संभव है, क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो कि ये सैंपल से गया, मान नहीं तो रोटेशन नहीं होगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या तो रोटेशन होगा ही नहीं। तो मान लेते हैं कि इसमें रोटेशन नहीं हुआ, जो हमारा रिजल्ट आया, ये सैंपल ए था, जो हमने इधर रिजल्ट देखा ना, इस रिजल्ट में हमने देखा क्या कि जैसा प्लेन पोलराइज लाइट समानांतर है उसी डायरेक्शन में हमें इधर भी दिख रहा है, नो रोटेशन, नो रोटेशन। अब कोई रोटेशन नहीं है, रोटेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम लिख देंगे इसमें कि सैंपल ए इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, एक्टिव ये नहीं है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं किया, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं किया, ये हमारा रिजल्ट बता रहा है कि नहीं रोटेट किया, क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब चल फोर सैंपल बी हम देख लेते हैं। फोर सैंपल बी, एकदम पहले हम बेसिक को समझेंगे तब तुम्हें और अच्छे से आएगा। फोर सैंपल बी में लेंगे, फिर से ले लो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे करके ले लो आप। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लेन पोलराइज लाइट, इसको हम पास करवा देंगे सैंपल बी से। देखो सैंपल बी हमारा ये था, पिंक वाला है सैंपल बी, चलो इसको पिंक कलर से ही बनाते हैं क्योंकि सही रहेगा। तो सैंपल बी इधर बना दो, इसमें कंपाउंड भरा हुआ था, अब इस कंपाउंड से होकर के पास करवाओ, तो तुमने क्या देखा कि इसको ये रोटेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो, सपोज करो ये किसी न किसी एंगल में रोटेट हुआ, और ये सपोज करो कि ये ऐसा, अभी ये 0 डिग्री एंगल पे है, ये पीपीएल है प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो 0 डिग्री एंगल ही था, 0 डिग्री एंगल, कोई रोटेशन नहीं, 0 नहीं तो 180 डिग्री। चलो यहां पर मान लो कि ये सीधा ना होकर के ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर गया, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, इस तरीका से रोटेशन आ गया इसमें, तो रोटेट कर गया ना, रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि इसमें रोटेशन हो रहा है ना, और एंगल ऑफ जो रोटेशन है यहाँ पे वो क्या है, ये तो सीधा था और सीधा से ये ऐसे चलाया, मूव कर गया, तो रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन है यहाँ पे, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन जो है इसमें, इधर तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, इसको हमें दूसरे स्लाइड पे लेना होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे स्टूडेंट, आप लिखो इसके बारे में, पहला पॉइंट ये लिखना कि क्लॉकवाइज रोटेशन, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ना तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलेंगे इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं डी आइसोमर, डी आइसोमर का मतलब ही होता है डेक्स्ट्रो, जो उसको दाहिनी ओर मूव करवा दे,
ठीक है, राइट साइड मूव करवा दी, क्लॉकवाइज भी मूव करवा दी, डी आई सुमारी। इसमें जो होगा ना स्टूडेंट, जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो पॉजिटिव में आता है। एंगल ऑफ रोटेशन किसमें आ जाएगा इसमें, तो वो आ जाएगा प्लस थीटा डिग्री में, जो भी आ जाएगा पॉजिटिव में आएगा। तो ध्यान रखना, क्लॉकवाइज रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी आइसोमर, एंगल ऑफ रोटेशन प्लस थीटा डिग्री, प्लस में जितना आ जाए, प्लस 13 डिग्री आ जाए, प्लस 50 डिग्री आ जाए, 20 डिग्री आ जाए, वो सब हम कंपाउंड में देखेंगे। वैसे हम बेसिक समझ रहे हैं इसमें। देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट था, सैंपल से हमने गुजारा, इसको रोटेट करवा दिया, किसमें रोटेट करवा दिया, तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया मतलब वो क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव। अच्छा एक बात और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सैंपल बी इज ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है ना, क्योंकि इसने रोटेट किया है प्लेन पोलराइज लाइट को, रोटेट किया है ना। फॉर सैंपल ए में देखो जैसा था वैसा ही है, नो रिजल्ट है, कहीं रोटेशन नहीं है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, 0 डिग्री एंगल रोटेशन है। ठीक है, अब चलो हम चेक कर लेते हैं सैंपल सी को। ये सैंपल सी था ना हमारा, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो इसको भी चेक करेंगे इसी प्रकार से, स्लाइड पे लिख लो, चेक कर लेते हैं फोर सैंपल सी। तो सैंपल सी के लिए फिर से हम क्या ले लेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट ले लेंगे इस तरीका से। ये था हमारा प्लेन पोलराइज लाइट, ये नॉर्मल लाइट नहीं है, इसे पोलराइजर में नॉर्मल लाइट को पास करवा के प्लेन पीपीएल बना लिया गया है। अब इसे तुम्हें पास करवाना है किससे, सैंपल सी से। देखो सैंपल सी से इसको पास करवा दो। ओके, तो ये सैंपल सी है। अब मान लो कि इसमें जो रोटेशन हुआ ना वो इस एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस तरीका से, इसका जो ये लाइन है ना ये इस तरीका से इस डायरेक्शन में चला गया। इसमें ऐसा तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा था और ये इस टाइप में रोटेट कर गया, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहली बात तो लिखेंगे कि फोर्स सैंपल सी जो ऑप्टिकल इन एक्टिव है क्योंकि इसने रोटेशन करवाया। सैंपल सी इज ऑप्टिकल एक्टिव, पहली बात है, बात नंबर एक। बात नंबर दो सुनो, इसने इसको क्या किया है, लेफ्ट साइड रोटेट किया है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब होगा ना लेवो रोटेटरी, क्या हुआ इसका मतलब, लेवो रोटेटरी, एकदम ध्यान रखना, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एल आइसोमर। देखो तुमने बहुत सारे कंपाउंड में लिखा देखा होगा एल आइसोमर, डी आइसोमर, है ना, लेकिन अब मतलब समझ में आया कि लेवो रोटेटरी एल आइसोमर मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, और अगर मान लो डी आइसोमर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर मूव करवाएगा, क्लॉकवाइज मूव करवाएगा। अच्छे से समझो, अगर कोई हमारा सैंपल है, कंपाउंड है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब वो डी आइसोमर हुआ, उसमें एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दूसरी बात, अगर कोई हमारा कंपाउंड ऐसा है जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लेवो रोटेटरी एल आइसोमर कहलाएगा, एल आइसोमर इसको कहते हैं। बात नंबर तीन, बात नंबर तीन ये है कि इसमें जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा ना, एंगल ऑफ रोटेशन वो हो जाएगा -θ डिग्री, ये ध्यान रखना। एक एक लाइन में जो बता रहा हूं ना, सब क्वेश्चन है,
हम डायरेक्ट टू द पॉइंट एग्जामिनेशन व्यू से ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी हुआ लिख दिए हो गया, नहीं, पूरा एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और इसे तुम अच्छे से नोट्स करो, रिवीजन करो, अभी एग्जाम है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एकदम मन को कठोर बना के सीधा पढ़ाई करना है। जब सक्सेस मिल जाएगा ना, तुम्हारे पीछे 100 खड़ा रहेगा, लेकिन जब तुम असफल हो जाओगे ना, तो जो तुम्हारे पीछे 100 थे ना, वो एक भी नहीं बचेंगे, तुम्हारे अपने भी छोड़ के चले जाएंगे। ये बात ध्यान रखना मेरा, सफल हो जाओ दूसरे भी तुम्हारे पीछे आएंगे, और सफल हो गए तुम्हारे अपने, जो तुम्हें रोज, जो तुम्हारा क्या बोले हम, जो तुम्हें बहुत मानता है, वो भी छोड़ के चला जाएगा। दुनिया सफलता के पीछे है, असफल लोगों के पीछे कोई नहीं आता है, वो बस रोते रहता है रूम बंद करके। तो तुम्हें रोना नहीं है, यू आर अ ग्रेट, यू आर माई चैंपियन स्टूडेंट। ओके, इसको अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं कायरन और अकायरन मॉलिक्यूल को। मैंने बोला था कि हम ऑप्टिकल कंपाउंड को सबसे पहले बेसिक तौर पे देखेंगे कि कायरल और अकायरल क्या होता है, जितना भी बेसिक, जैसे पहले बेसिक क्या था हमारा, इसमें था ना जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ऑप्टिकल में बेसिक था नॉर्मल लाइट, प्लेन, पोलराइजर से गुजारे, ये था हमारा बेसिक। इसमें हमने देखा कि अगर इसका इस तरीका से रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज, तो डी आइसोमर हो जाएगा, अगर इधर से रोटेशन आता है तो एल आइसोमर हो जाएगा, यही सब है। चलो देखते हैं कायरल के बारे में। तो पहले कायरल से पहले हम पढ़ेंगे अकायरल, ठीक है, अकायरल मॉलिक्यूल पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटा सा है, जो भी कायरल नहीं है वो सारे अकायरल है। वैसे कायरल ना ग्रीक का वर्ड है कायरलिटी, CHIER, उसका मतलब होता है हैंड, हाथ। देखो हैंड एक दूसरे को अध्यारोपित कर लिया ना ऐसे करके, जहां अंगूठा है वही अंगूठा भी है, जहां ये उंगली है वही उंगली है, एक एक दूसरे को अध्यारोपित कर लिया। अगर ये अध्यारोपित कर लिया एक दूसरे को, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज कर लेना। क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोज, एक दूसरे को, ये मेरा हाथ है, ऐसे आया, ऐसे ढक लिया, ठीक है। लेकिन अगर यही ऐसे आ जाएगा, तो सुपर इम्पोज किया, ये अंगूठा नीचे है, ये अंगूठा ऊपर है, ये उंगली ऊपर है, ये उंगली इसका नीचे है, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज, मतलब ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं किया। तो जो नहीं किया ना वो कायरल, और जो कर लिया ना वो अकायरल। ओके, सुपर इम्पोज, मिरर इमेज, देखते हैं अच्छे से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम लिखेंगे कायरल को, क्या लिखेंगे? अकायरल मॉलिक्यूल। अकायरल मॉलिक्यूल, जो डिफिनेशन बता रहा हूं उसे आप एकदम अच्छे से लिखो। देखो, अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल और आयन, आयन अकायरल, अकायरल हो सकता है। कैसे होगा? तो इफ इट इज सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, इसका मतलब है दैट इज इट कैन बी सुपर इम्पोज, इट कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑन इट्स मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज को क्या करेगा ना, एक दूसरे को ढक लेगा अच्छे से, तो अकायरल मॉलिक्यूल हो गए। ध्यान देना इसके बारे में, आज भी पॉइंट याद रखना है आपको, क्वेश्चंस आ जाता है कि इट हैज अ प्लेन ऑफ साइमेट्री, इसको भी समझेंगे। इट हैज अ प्लेन ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री होता है इसमें, प्लेन ऑफ साइमेट्री का मतलब है बीच से आप डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ सेम एटम मिल जाएंगे तुम्हें। इट हैज अ प्लेन ऑफ साइमेट्री, सेंटर ऑफ साइमेट्री, सेंटर ऑफ साइमेट्री भी होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें ना, जैसे एग्जांपल से समझो, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ध्यान रखना, और कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल
ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसको समझते हैं अच्छे से। एक शब्द आया सुपर इम्पोज्ड, इसका मतलब क्या है सर? आपने हाथ से बताया तो, लेकिन अच्छे से दिखाने होगा, क्योंकि कैमरा आपका उतना बड़ा है नहीं और उतना अच्छा है भी नहीं, ठीक है? इसलिए चलो इसको समझते हैं, सुपर इम्पोज्ड का मतलब क्या होगा। देखो सुपर इम्पोज्ड का मतलब ये होता है, जैसे हम मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, इधर भी ले लो हाइड्रोजन, इधर ले लो आप क्या, तो Cl ले लो, यहाँ क्या ले लो Cl ले लो, ले लिए। अब बीच में ना आप क्या करो, एक अच्छा वाला मिरर लगा दो, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मिरर लगा दो। यहाँ पे हम क्या लगा दिए, मिरर, जिसमें इसका इमेज बन सके। ये हमारा हो गया मिरर, ये मिरर बन गया। अब इसका जो इमेज बनेगा इसमें, वो कैसे बनेगा? पहले हाइड्रोजन बनेगा यहाँ पे, ये आगे है ना हाइड्रोजन, तो पहले हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ वाले की बात मैं कर रहा हूँ, फिर ये कार्बन, इसके पीछे यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बनेगा Cl। अच्छा इसका सेम इमेज बनता है, ये ध्यान रखना, ये नहीं बदलता है, Cl और ये Cl। अब इस मॉलिक्यूल को आप उठा करके और यहाँ वाले मॉलिक्यूल पे आप रख दीजिए, मतलब जो मिरर इमेज बना है ना, ये तो इमेज है ना, इस इमेज को इस रियल वाले पे रखना है। तो आप रखेंगे तो देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आएगा, Cl Cl की जगह Cl Cl आएगा, आ जाएगा ना। तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लिया, एक दूसरे को अध्यारोपित कर लिया, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑक्टाइरल है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाइरल हो गया। इस मिरर, इस इमेज को आपको उठा करके इस पर रखना है, तो जहां Cl है वहां Cl जाएगा, जहां ये हाइड्रोजन है वहां ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाए वहां जाएगा, एक दूसरे को तो ढक लिया, तो ये क्या हो गया, और काइरल हो गया। और अगर नहीं ढकता, उल्टा हो जाता, तो ये क्या हो जाता, काइरल हो जाता, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। एक बात और कंडीशन याद रखना, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, और sp हाइब्रिडाइजेशन, तो वो हमेशा ऑक्टाइरल ही होता है, ध्यान रखिएगा। इफ एटम इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, इफ एटम इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज, क्या होगा ये, इट इज ऑलवेज ऑक्टाइरल। ये बात ध्यान रखना, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाइरल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर एटम से कम दो ग्रुप सेम है ना, कम से कम दो, देखो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, क्लोरीन और क्लोरीन क्या है, सेम है, लेकिन अगर यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम रहता, अगर ये भी रहता ना, यहाँ पर मान लो मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस चार वैलेंसी में से दो तो सेम है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो सेम है, तो मिनिमम अगर दो ग्रुप सेम हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्टाइरल हो जाएगा। और अगर चार का चार डिफरेंट है तब तो वो काइरल हो जाएगा, लेकिन हम अकाइरल पढ़ रहे हैं ना, मतलब मिनिमम टू ग्रुप अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, अकाइरल हो जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, जैसे देख लो ये हमारा अकाइरल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर टू अगर हम लिखना चाहे CH2 Cl, और मान लो यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, अब कार्बन का वैलेंसी चार होता है, तो देखो इस कार्बन का वैलेंसी चार है, एक से हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहाँ से भी हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहाँ से Cl जुटा हुआ है, यहाँ से क्या जुटा हुआ है, CH3 जुटा हुआ है। ग्रुप सेम हुआ मिनिमम दो, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्टाइरल हो गया, सिंपल है, ठीक है? एकदम एग्जाम में आए तुरंत अप्रोच करो, इस सारी बातों को ध्यान रखो, तुरंत अप्रोच करो, ठीक है? जैसे मान लो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, इसमें सारे परमाणु ना कार्बन और काइरल है, कैसे, तो देख लो, कार्बन हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन। ये कार्बन परमाणु तो हो ही जाएगा नौ का आयरन। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ ये और ये सेम है, मिनिमम मिल गया दो, यहाँ तो तीन तीन सेम है, एक चौथा डिफरेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, और काइरल हो जाएगा। अच्छा सी एच टू के बारे में सोच लेते हैं हम लोग, ठीक है। सी एच टू में देखो हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। मैंने बोला एस पी और एस पी टू वाला, एस पी और एस पी टू वाला क्या होता है, और काइरल होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गया, और काइरल, मतलब इसमें सारे और काइरल, क्या हो गए, ये एक काइरल हो गए। मैंने क्या बोला काइरल का मतलब, काइरल का मतलब होता है सीधा, इसका एक ग्रीक शब्द था जिसको बोलते थे चेयर, जिसका मतलब था हैंड, और हैंड को देख लो ऐसे रखोगे तो काइरल, और यही ऐसे हो गया तो काइरल, एक दूसरे को ढकाने, यही होता है सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं काइरल, जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसपे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बेस्ड है, काइरल मॉलिक्यूल के बारे में स्टूडेंट, इसके बारे में, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलो लिखते हैं हम यहाँ पे काइरल मॉलिक्यूल, ठीक है, काइरल मॉलिक्यूल लिखें। सबसे पहले परिभाषा आप लिख लो इसका छोटा सा, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और आयन, आयन भी हो सकता है, आयन इज काइरल, क्या हो सकता है, काइरल हो सकता है, क्यों हो जाएगा काइरल, तो इफ इट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, मतलब इसका जो मिरर इमेज बनेगा ना स्टूडेंट, वो एक दूसरे को पूर्णतः अध्यारोपित नहीं करेगा, यही होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसे आप नोट कर लो कि काइरल मॉलिक्यूल काइरल जो मॉलिक्यूल होगा डोंट हैव प्लेन ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री एंड सेंटर ऑफ साइमेट्री। ये सेंटर ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री हम सब बताएंगे इसके बाद। सेंटर ऑफ साइमेट्री, पहले हम काइरल और काइरल को समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ साइमेट्री, ये सब नहीं होता है इसमें। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव होता है, इट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। उसके बाद देख लो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ना इसमें, जिसे तुम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल का, sp2 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान, मतलब क्या, एटम हुच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब टेट्राहेड्रल, sp3 का मतलब वही होता है टेट्राहेड्रल, विथ अ डिफरेंट द डिफरेंट एटम ग्रुप, एटम ग्रुप अटैच्ड टू डिफरेंट एटम ग्रुप से अटैच्ड होगा, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, काइरल मॉलिक्यूल कहेंगे, अटैच्ड, इट इज कॉल्ड काइरल मॉलिक्यूल, काइरल मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। sp3 होना चाहिए, मैंने कुछ पॉइंट बताया उसको अंडरलाइन करो, sp3 होना चाहिए, sp3 का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। इसके पास प्लेन ऑफ साइमेट्री नहीं होता है, सेंटर ऑफ साइमेट्री नहीं होता है,
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाना चाहिए, मतलब एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करेगा ये। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे सी एच बी आर सी एल और एफ, अब कार्बन का वैलेंसी यहां पे चेक करो, ये कंपाउंड है। देखो एक हाइड्रोजन है, एक यहां पे बी आर है, एकदम ध्यान से समझना, एक सी एल है और एक यहां पे क्या आ गया फ्लोरीन है। डिफरेंट ग्रुप है, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है ना कार्बन का, देख लो यहां पे चार सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एसपी थ्री। एसपी थ्री तो है ही, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से निकालने आता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर तो अभी रहता नहीं, तो बस सिग्मा बॉन्ड एक, देखो एक क्लोरीन वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन वाला सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड मतलब एसपी थ्री, चार सिग्मा बॉन्ड का मतलब एसपी थ्री, थ्री सिग्मा बॉन्ड का मतलब एसपी टू, और टू सिग्मा बॉन्ड का मतलब एसपी होता है। ठीक है, ध्यान रखा करो, ये सब बहुत बेसिक है, मैंने अपने लेक्चर में कवर किया, आईयूपीएसी वाले में जो आइसोमेरिज्म में भी, उसके बाद उसमें भी किया, जीओसी में भी किया है, कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं, नहीं तो कचरा हो जाएगा। हम समझ रहे हैं काइरल को, काइरल के बारे में, चलो अच्छे से समझो। अब इसमें तुम क्या करो, बीच में मिरर रख दो, मिरर रख दिए, वन टू थ्री ऐसे करके, ये मिरर हो गया। अब जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो हाइड्रोजन आ गया है, तो पहले तो आपको हाइड्रोजन ही दिखाई देगा ना, देखो ये हाइड्रोजन दिखाई देगा, उसके बाद कार्बन, नीचे ब्रोमीन है, ये नहीं बदलेगा, ऊपर वाला भी नहीं बदलता है, और इधर आ गया सीएल। अब ये इसका इमेज है, ये मिरर है, और ये इसका रियल रियल स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को उठा करके इस रियल वाले पे रखना है। देखो तो पूरा एक दूसरे को ढक लेता है, नहीं ढकेगा, देखो कैसे नहीं ढकेगा, पहले आप क्या करो इसको बना लो, इस वाले को, रियल वाले को बना दिए। अब तुम्हें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को उठा के रखना है, इमेज को, तो इमेज को जब इस पूरे इमेज को आप उठा करके रखोगे स्टूडेंट इसके ऊपर, तो देखो हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, फ्लोरीन यहां पे आएगा, ब्रोमीन यहां पे आएगा, और यहां पे क्या आ गया सीएल। अब देखो जहां क्लोरीन वहां हाइड्रोजन, उल्टा हो गया ना, जहां हाइड्रोजन वहां क्लोरीन, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं किया, ये क्या कर दिया सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल फिगर हो गया, ये फिगर हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल, और नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा क्या हो गया, काइरल हो गया, काइरल मॉलिक्यूल हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है ये काइरल, एकदम अच्छे से, एक एक कंपाउंड में दो तीन काइरल भी हो सकते हैं, चार काइरल भी हो सकते हैं, एक भी काइरल आ सकता है, जैसे अभी इसमें एक ही काइरल कार्बन है, काइरल को हम किससे सूचित कर देंगे, स्टार से सूचित कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही होता है नन। देखो स्टूडेंट क्या होता है, डिफिनीशन पढ़ लेता है उसको, तो सब कुछ पता होता है, लेकिन एक्चुअली में जो सुपर इम्पोज है, नन सुपर इम्पोज है, उसे यही नहीं बुझने आता ये क्या होता है सर। तो जो मिरर इमेज है एक दूसरे को नहीं ढका, उल्टा आ गया ना, सीएल के जगह हाइड्रोजन चला गया, यही हो गया नन सुपर इम्पोज। लेकिन इसमें जब हम लोग पढ़े थे, इस वाले में कहा गया वो, यहां पे देखो, तो ये एक दूसरे को ढक लिया था, तो ये क्या हो गया था, ये सुपर इम्पोज हो गया था, ये सुपर इम्पोज हो गया था, और हो गया था इसीलिए ये क्या था, ऑकाइरल था, ये ऑकाइरल का एग्जाम्पल था ना, देख लो ना, हाइड्रोजन जहां वही हाइड्रोजन, जहां सीएल वही सीएल, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ये हमारा हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल। आप क्या ध्यान रखोगे काइरल पहचानने के लिए, नॉन सुपर इम्पोज बाद की बात है, बस ध्यान रखना है क्या, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, और उसका चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इस दो पॉइंट को ध्यान रखो काइरल पहचानने के लिए। ठीक है, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंट ग्रुप, चार का चार डिफरेंट ग्रुप, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। चलो और भी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, मतलब तुम इस तरीका से देख लो कि जैसे कोई भी सी है, कार्बन है, यहाँ पर मान लो कोई एक्स ग्रुप जुटा हुआ है, यहाँ पे वाई ग्रुप जुटा हुआ है, यहाँ पे जेड है, और यहाँ पे मान लो पी है,
और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp3 है, ये तो होना ही चाहिए, sp3 होना चाहिए, अगर sp2 sp हो गया तो वो कायरल। और इसमें क्या कंडीशन है कि x बराबर p बराबर z बराबर y इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो सबको काट दो, लिख के चारों ग्रुप डिफरेंट, तब क्या हो जाएगा, वो काइरल हो जाएगा। इस बात को अच्छे से नोट कर लो और फिर हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स बना करके, क्वेश्चंस बना करके, है ना। बस आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, मार्क आपको मार्क्स करना है, मार्क द काइरल एटम, मार्क्स द काइरल, कैसे मार्क्स करना है तो एस्ट्रिक से, इस तरीका से स्टार बना देना, एटम इन द फ्लोइंग, इन द फ्लोइंग आपको मार्क्स कर देना। देख लो जैसे पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं ना, अच्छे से समझना, CH3 है, CH है, उसके बाद यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ क्या Br, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH2 और CH3, इस तरीका से। ये कायरल कार्बन है कि नहीं, इसमें कितने कायरल कार्बन हो सकते हैं, देखो ये तो कायरल नहीं हो सकता है कार्बन पहला वाला, ये C1 कर दो, C2 कर दो, C3 कर दो, C4 कर दो, मैं तुम्हें समझाने के लिए इसको नंबरिंग कर दिया। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन सेम है, कम से कम दो सेम हो जाएगा, नहीं होगा। इस C के बारे में देखो, ये C कायरल है, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे ब्रोमीन ग्रुप जुटा हुआ है, इधर CH3 जुटा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ इथाइल समूह है, यहाँ क्या है इथाइल है, तो चारों ग्रुप अलग हो गया ना, कैसे चारों, देखो ये इधर ऊपर हाइड्रोजन यहाँ वाला है ना, ये हाइड्रोजन इधर हो गया मिथाइल ग्रुप CH3, इधर हो गया Br और इधर हो गया C2H5 जिसको इथाइल बोलते हैं। देखो चारों डिफरेंट है और कार्बन sp3 भी है, तो मतलब ये क्या हो गया, स्टार लगा देंगे, कितने कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन है, एक बता देंगे, एकदम अच्छे से समझना। दूसरा देख लो, दूसरा मॉलिक्यूल हम समझेंगे यहाँ पे इसी में, इस तरीका से, क्योंकि कायरल और कायरल पहचानने आ गया तुम्हें, समझ लो आ जाएगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जुटा हुआ है Cl और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जुटा हुआ है तुम्हारा क्या Br, यहाँ पे जुटा हुआ है तुम्हारा Br, ठीक। तो इसमें देखोगे तुम, इसमें कायरल है कि नहीं, यहाँ वाला कायरल होगा क्या, सबका वैलेंसी पूरा कर दो, आपको पता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें दो हाइड्रोजन आ जाएगा ना इस कार्बन से, और जैसे ही दो हाइड्रोजन आएगा और कायरल हो जाएगा, चूंकि सेम ग्रुप आ गया ना, यहाँ भी देख लो दो हाइड्रोजन आ जाएगा और कायरल हो गया, लेकिन इस कार्बन के बारे में सोचो, ये इस कार्बन में एक हाइड्रोजन आएगा, वैलेंसी पूरा करेंगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरा करते हैं, तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन दो अलग, नीचे देख लो तो नीचे CCl वाला ग्रुप है, कार्बन है Cl जुटा हुआ है अलग, इधर देख लो CH2 ग्रुप जुटा हुआ है, चारों वैलेंसी अलग अलग है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया कायरल हो गया। इसके नीचे सोच लो ये भी कायरल है, इसके नीचे वाला में Cl जुटा हुआ है, इसके इस साइड में CH2 जुटा हुआ है, दो वैलेंसी अलग, तीसरा वैलेंसी देख लो तो BrCBr जुटा होगा, और इसका चौथा वैलेंसी पूरा करोगे तो हाइड्रोजन डिफरेंट, ये भी स्टार, मतलब कायरल एटम कितना है दो, दो कायरल एटम है इसमें, ये दोनों नहीं होगा, ये 1 2 जिसको मैंने किया वो नहीं होगा, क्योंकि वहां तो दो हाइड्रोजन आ गया ना एक ही परमाणु पे, तो एक ही कार्बन पे अगर दो सेम एटम आ गया तब वो कायरल नहीं होगा, तब तो वो अकायरल हो गया, कायरल का मतलब होता है चारों एटम डिफरेंट है, इसमें तुम देखोगे तो चारों क्या है डिफरेंट है, एक ब्रोमीन है एक हाइड्रोजन है, इधर CCl है और इधर CH2 है, डिफरेंट हो गया, एकदम बारीक से समझना, अच्छे से समझना, नोट करना, तुम्हें थोड़ा भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है बिल्कुल। तीसरा कंपाउंड समझ लेते हैं हम लोग, तीसरा में देखोगे देख लो इस टाइप का मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिखेंगे हम, और यहां पे जुटा हुआ है ना Br, क्या अब इसमें देखेंगे कायरल परमाणु कितने होंगे, चलो ये वाला कायरल होगा नहीं होगा, कहोगे सर क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गया सेम आ गया, और सेम ग्रुप अगर दो मिल गया तो वो कायरल नहीं, कोई भी कायरल नहीं होगा, यहाँ पे देख लो इसमें एक हाइड्रोजन डाल दो, डालोगे एक हाइड्रोजन आ गया एक, एक ब्रोमीन दो, नीचे क्या हो गया CH2
और इधर भी यहाँ तो CH2 हो गया, ऊपर वाला देख लो क्या हो जाएगा, ये भी CH2 ग्रुप हो जाएगा। मतलब इस कार्बन का जो चार वैलेंसी है, इधर देखोगे तो एक दो तीन चार कार्बन, इधर एक दो तीन चार, नहीं यहाँ पे कायरल कार्बन संभव है क्या? नहीं संभव है। कैसे संभव नहीं है? तो इसको तुम ओपन करके देख लो, ओपन स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ CH2 होगा, यहाँ पे C होगा जिससे एक BR जुटा हुआ है। अब इसको खींचो नीचे से, फिर यहाँ पे क्या होगा? CH2 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? CH2 होगा। तो देखो इस कार्बन से एक वैलेंसी पूरा करोगे तो हाइड्रोजन BR दो डिफरेंट, लेकिन ये दो देख लो CH2 और CH2 सेम आ गया, मतलब यहाँ पे नो काइरल कार्बन। देख रहे हो ना कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता दिमाग खराब हो जाता, बनता होता नहीं किसी से, इसलिए तुम ध्यान से पढ़ो तब बनेगा तुम्हें, भटकने से कहीं नहीं होगा। ये कोर्स खरीद लिए, वो कोर्स खरीद लिए और पढ़ कहीं नहीं रहे, कहीं नहीं रहे हैं, है ना? ऐसा मत समझना कि मेरा सब्सक्राइबर अभी 650 के ही आसपास है और मैं बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मल वे में, मेरे वीडियो में कोई भी अभी मॉडिफिकेशन नहीं है, मैं ऐसे ही बस कूल माइंड से पढ़ाने लगता हूँ, शौक है पढ़ाने का। मुझे लगा इंटरनेट का भी थोड़ा सा ज्यादा है वर्चस्व है, तो क्यों ना इंटरनेट पे पढ़ाए, है ना? इसलिए पढ़ा रहा हूं, तो आप अच्छे से बस पढ़ना इसको, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं इसमें ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, एग्जाम्पल जितना करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और CH3 यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया बी आर, अब इसमें कितने कायरल आइटम है, कायरल आइटम तुम्हें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी sp2 हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ देख लो ये कार्बन हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन एक बी आर अलग अलग, यहाँ CH3 मिलेगा और इधर जोड़ोगे तो CH CH2 मिलेगा, चारों डिफरेंट है, मतलब कायरल कार्बन एक है और उसको मैं स्टार से दिखा देता हूँ। ओके चलो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में देख लो, पांचवा इस तरीका से होगा और यहां पर मैं जोड़ देता हूं मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, फिर यहां पर मैं लगा देता हूं डबल बॉन्ड। अब इसमें तुम्हें सोचना है काइरल एटम है कि नहीं, देखो ये सब कायरल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन सेम आ जाएगा जब वैलेंसी पूरा करोगे ना तब, लेकिन मिथाइल वाले से सोचो, इधर CH2 ग्रुप इधर CH ग्रुप, इधर एक ही हाइड्रोजन आएगा यहाँ दो हाइड्रोजन आएगा तो डिफरेंट हो गया, इधर पूरा करोगे तो दो हाइड्रोजन इधर एक ही हाइड्रोजन चूंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, और एक इधर हाइड्रोजन, तो इसका चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो इसको स्टार लगा दो मतलब कायरल कार्बन है, और कितना है तो एक कायरल कार्बन होगा। ये सब कायरल नहीं होगा है ना, ये सभी कायरल, ये भी कायरल नहीं होगा, ध्यान रखना कायरल का मतलब है कि उसका चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, अगर कोई भी दो ग्रुप सेम मिलेगा वो कायरल नहीं होगा, वो अकायरल हो जाएगा, ठीक है? पांच छह नंबर, छह नंबर चलो हम लिख रहे हैं C6H12O6 में कितने कायरल हो जाएंगे, तो पहले इसका ना आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सी डबल बॉन्ड ओ और एच, फिर ऐसे करके खींच दो 1 2 3 और ये हो गया तुम्हारा 4, तो 1 2 3 4 5 और यहां पे दे दो तुम CH H और यहीं से लिख दो तुम OH, ठीक है? अब सब में तुम HOH लगा दो, यहां पे लगा दो OH, यहां पे लगा दो H OH H OH H OH H लगा दिए। अब तुम्हें कायरल कार्बन ढूंढना है, देखो पहला वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये तो नहीं होगा, काट दिए। ये सब कार्बन है ज्वाइंट पॉइंट, ये सब क्या है? कार्बन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ज्वाइंट पॉइंट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को इंडिकेट करता है। अब इसमें देख लो तो ऊपर में ग्रुप जुटा हुआ है CHO, इधर OH है इधर H है, तीन डिफरेंट, और नीचे देख लो एक दो तीन चार कार्बन का चेन था, नीचे वाला भी डिफरेंट, मतलब ये हो गया तुम्हारा काइरल, समझ में आ रहा है ना? काइरल कैसे हुआ? तो इसका चारों डिफरेंट, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ऊपर CHO इधर हाइड्रोजन है इधर OH है, नीचे एक दो तीन चार कार्बन का चेन है,
चलो इसके बाद वाला देख लो, इसको भी स्टार लगा देंगे, कैसे, इधर एच इधर ओ एच डिफरेंट, ऊपर देख लो सी एच ओ और सी एच है, मतलब दो कार्बन का चेन है, नीचे देख लो एक दो तीन कार्बन का चेन है, ये भी हो जाए। तीसरा देख लो, ये भी कायरल हो जाएगा, ऊपर एक दो तीन कार्बन का चेन अलग, इधर एच इधर ओ एच डिफरेंट है दोनों, नीचे एक दो तीन कार्बन का चेन, ये भी अलग हो गया। इसमें देख लो ये भी तुम्हारा कायरल हो जाएगा, एच ओ एच नीचे सी एच टू ओ एच है, ऊपर एक दो तीन चार कार्बन का चेन, लेकिन ये वाला होगा क्या कायरल, क्योंकि यहाँ दो ग्रुप सेम है, एच और एच सेम हो गया तो ये नहीं होगा, चारों ग्रुप सेम होना चाहिए। मतलब इस ये फॉर्मूला जो है ना ये ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज में कायरल आइटम कितना हो गया, ये एग्जाम में आता है, कितना हो गया, एक दो तीन चार, चार हो गया, ध्यान रखना है अच्छे से। ओके तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, है ना, मैंने बोला है ना, आप बिल्कुल अभी एग्जाम होने वाला है आपका फरवरी में, तो आप इधर उधर ध्यान मत रखो, जब तुम असफल हो जाओगे ना तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं, अपना भी छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे, एक सफल रिजल्ट आ जाएगा हाथ में, जब तुम सक्सेस कर जाते हो तो दूसरे भी अपने हो जाते हैं। भारत में 143 करोड़ जनता है, बस तुम सब सफलता का इंतजार करते रहता है, सफल नहीं होगे कोई नहीं पूछे, मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो, सर्दी ज़्यादा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, रात भर नहीं पढ़ना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, फिर तुम्हारा एग्जाम चला जाएगा। ओके तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, जय हिंद स्टूडेंट, आप लगातार पढ़िए, थैंक यू।